नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार में 7 साल सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत बदराना खेल मैदान में रक्तदान किया गया। शिविर में 85 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन करने पहुँचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे दूसरों को नया जीवन मिलता है। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवा रक्तदान करने पहुंचे और काफी उत्साहित नजर आए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि रक्तदान किए गए रक्त से जरूरतमंदों का इलाज करा रहे लोगों को एक नया जीवन प्राप्त होता है। मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि शहीद भगत सिंह क्लब और कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए इस रक्तदान शिविर पर उनकी सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान करने से जहां अनेक रोगों को दरकिनार किया जा सकता है, वहीं इससे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सामाजिक एवं राष्ट्रहित के कार्यक्रमों में साथ सेवा भाव के कार्य की बड़ी लगन से उत्साह के साथ करते हैं। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति रक्तदान का पुण्य कमा सकता है। उन्होंने कहा कि यूं तो सभी प्रकार के दान की महत्ता होती है, किंतु रक्तदान को महादान बताया गया है। कई परिस्थितियों में जीवन बचाने के लिए रक्त ही आवश्यकता होती है। इस दौरान लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी मंत्री ने बांटे। कार्यक्रम संयोजक ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयवीर योगी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष हुकम चंद यादव, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष पिंकी यादव, जिला प्रभारी संदीप जोशी, जिला प्रभारी सुमन दहिया, महामंत्री ईश्वर चनेजा, जिला सचिव कुलदीप चौहान, मंडल अध्यक्ष अमरजीत, भूपेंद्र ग्रेवाल, हर्ष आदि सहित अन्य लोग मौजूद थे। तहलका हरियाणा से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार को नहीं पता था कि कोरोना की बीमारी में ऑक्सीजन की भारी कमी पड़ेगी। विपक्ष ने प्रधानमंत्री में सरकार की छवि को खराब करने के लिए ऑक्सीजन की कमी को मुद्दा बनाया है। उन्होंने ऑक्सीजन की कमी थी नहीं, बनाई गई है। इस पूरे कार्यक्रम को हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने कवर किया। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के साथ साथ जो भाजपा नेता वहाँ पर थे, उन्होंने अपने क्या विचार रखे। नाम है सर मेरा, बहुत अच्छा है सर, इसमें सब लोगों को योगदान करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। उसमें भी कोई भी ट्रेजडी हो जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कहीं पर भी काम आ सकता है सर, सभी का योगदान होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। आज का जो प्रोग्राम था केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने के बाद, कार्यकाल के 7 साल पूरे होने के उपरांत पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सेवा ही संगठन है, इस कार्यक्रम के तहत हम देश को मनाएंगे और उसी के तहत जगह जगह पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप भी लग रहे हैं। तो हमारे बावल में भी था कल और आज बदराना में भी है, 2 कैंप बावल विधानसभा क्षेत्र में भी लगे हैं। तो इन जो हमारी सेवा का जो भाव है कि भाई किसी को भी बीमारी के अंदर खून की जरूरत पड़ सकती है, बीमार जरूरत पड़ती है, तो ये सब चीज़ें इसको ध्यान में रखते हैं। इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हैं, सैनिटाइजेशन का है, सैनिटाइजर बांटना, मास्क बांटना और जो भी कोविड के तहत हमारी जो सेवाएँ रही हैं उन सेवाओं को और जो कोविड के अंदर जो सावधानियाँ हैं उनको भी हम पंपलेट के जरिए अभी गाँव के अंदर जाएंगे और हमारी टीम बनी हुई है और वो टीम जा जा के गाँव में हर घर जाकर उन लोगों को कोविड के बारे में जानकारी देंगे और सरकार की जो भी सहायता योजनाएं जो अभी मैंने बताई है उन योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाएंगे ताकि उसका फ़ायदा उठा सके। मैंने ये कहा था कि जैसे बार बार केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमारे को इतनी मीट्रिक टन चाहिए, इतनी मीट्रिक टन चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं या तो कहीं गैस लीकेज हो रही थी या कहीं वेस्टेज हो रही थी और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। लेकिन जब बात आई ऑडिट की, तो ऑडिट की बात आने के बाद जब 2-4 दिन में केजरीवाल जी ने कहा भी मेरे पास तो अब सरप्लस है, ऑप्शन किसी और राज्य को दे दें, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत तो थी। तो ये मैंने कहा साथ ये देखो उपलब्धियाँ तो सारी उपलब्धियाँ बताओ क्या सारी अपने आप में। आप भी से इसको ये बड़ी उपलब्धि मानते हैं 7 सालों में? देखो 7 साल में उपलब्धि तो गरीब आदमी को जिस तरह से, देखो किसान है हमारा, किसान की आय कैसे दुगनी की जाए और उसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की,
और किसान सम्मान निधि शुरू की और जो भी आपके खाद बीज पर जो भी सब्सिडी दी जाती है वो दी, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए, इसी तरह मजदूरों के लिए भी जो बीपीएल परिवार हों उनके लिए आयुष्मान भारत की योजना है, बहुत बड़ी योजना है जिससे गरीब आदमियों का 5 लाख तक आप अपना साल में इलाज करवा सकते हो। तो ये बहुत से प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत बड़े बड़े काम हैं, काफ़ी सारी योजनाएँ अपने आप में बैठी हैं।